अशोक चक्र से सम्मानित शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हर्ष उदय सिंह गौर के शहादत दिवस पर आज मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने 10 बिहार रेजिमेंट की सैन्य टोली एवं जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकार कर्नल ओपी मिश्रा के साथ शहीद कर्नल हर्ष उदय सिंह पार्क स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन एवं आप और हम चेतना मंच की ओर से संस्था पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष उदय सिंह गौर की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए उनकी शौर्य पराक्रम एवं शहादत को सहारा। पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने कहा कि एक सैनिक के लिए राष्ट्र प्रथम होता है और राष्ट्र रक्षा में दिया गया बलिदान सर्वोच्च सम्मान है। पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल उदय सिंह गौर का बलिदान देश की रक्षा और हरदोई जनपद के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गौर का त्याग एवं बलिदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल ओपी मिश्रा ने भी शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गौर की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर उनके शौर्य और बलिदान पर प्रकाश डाला। पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अशोक अग्निहोत्री ने सैनिकों के साथ तथा आप और हम चेतना मंच के संयोजक मलेश पाठक व अध्यक्ष अनिल सिंह ने मंच पदाधिकारियों के साथ शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल गौर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अखिलेश पाठक सभासद, प्रतिनिधि राजीव सिंह, भाजपा नेता पारुल दीक्षित, पूर्व सैनिक मलिक अजीमुल हसन सहित पूर्व सैनिक और नागरिकों ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षोदय सिंह गौर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर देशहित में हुए अनेक उनके बलिदानों को नमन किया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। इसकी सुरक्षा और एकता अखंडता बनाए रखने वाले हमारे वीर सैनिकों के जो कर्नल साहब हैं हर्षोदय सिंह, आज ही के दिन कश्मीर में उनकी शहादत हुई थी और 4 आतंकवादियों को मारने के बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिसके लिए सरकार द्वारा उनको अशोक चक्र भी दिया गया है। तो आज हम सब उनकी शहादत दिवस पर नमन करते हैं और अपने देश के ऐसे जवानों को, वीर शहीदों को, जिसके बल पर हम आज सुरक्षित हैं और हमारे देश सुरक्षित है, इनको बार बार हम लोग कोटिशा नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।